स्वाति, आइए नजर डालते हैं आगे के प्रमुख समाचार। अलीगढ़ के अकराबाद गांव जिरौली हीरा सिंह में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ग्रामीण सम्मेलन किया गया, जिसमें गांव के विकास कार्य से संबंधित कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए भाजपा के हाथरस सांसद राजेश दिवाकर और अलीगढ़ के जिला अध्यक्ष गोपाल सिंह का कार्यकर्ताओं के साथ ग्रामीणों ने चांदी का मुकुट पगड़ी व फूल मालाएं पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मंच पर मौजूद भाजपा नेता हरेंद्र सिंह, कालू नीरज गोयल के साथ अन्य नेताओं को भी सम्मानित किया गया। स्वागत करने वालों में ठाकुर वीरेंद्र सिंह, ठाकुर सत्यपाल सिंह, राजकुमार भारती, ठाकुर मोनू सिंह आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। अलीगढ़ से हमारे संवाददाता सबन सलमानी की ये रिपोर्ट। यहाँ पर क्या है कि इस जरौली गांव में मेरी सांसद निधि से भी कुछ काम हुए हैं, उनका लोकार्पण भी था। इसके साथ साथ हमारे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा बूथ प्रमुख रहता है वो सब कुछ है। हमारी ताकत केवल बूथ प्रमुख है, तो बूथ प्रमुख उनका भी सम्मान हो जाए। आप देख रहे होंगे कि दुशाला देके और घड़ी देके उनका सम्मान किया गया है। बाकी गांव वालों की बहुत दिन से इच्छा थी कि यहाँ पर सांसद द्वारा कुछ काम कराए गए हैं, तो हमारे गाँव में सांसद जी आएँ, माननीय जिलाध्यक्ष जी आएँ और एक कार्यक्रम स्वागत के लिए वो रखना चाह रहे थे। जी बजट में मात्र किसानों के लिए 5,000 रुपए सालाना देने के लिए बात जी सकते होंगे कि पिछले 50 साल बनाम अगर 4.5 साल हम मोदी सरकार जी के करें तो एक के बाद में एक इतनी सारी योजनाएं आई हैं। चाहे आप प्रधानमंत्री कृषि बीमा उसमें ले लें, आप देखिए बाढ़, अकाल, सूखा, ऐसी कोई भी स्थिति हो जाती थी किसान असहाय हो जाता था। पूर्ववर्ती जितनी सरकारें थी कभी किसी सरकार ने किसान के बारे में नहीं सोचा। हमारी सरकार ने इतने प्रावधान किए हैं, तुलना करोगे हमारी सरकार से तो 50 साल बनाम 4.5 साल में कागज को सिद्ध कर दूंगा, आप लोग जानते हैं। किसानों के लिए सबसे ज़्यादा अगर काम किया है तो केवल मोदी सरकार ने दिया किया। चाहे पेंशन की आप ले लो, चाहे उनसे संबंधित कोई भी दुर्घटना वाली ये चीज़ देख लो, पहले अकाल मृत्यु हो जाती थी, किसान के बारे में कोई सोचने वाला नहीं था। केवल मोदी सरकार और योगी सरकार ने ही कल्याणकारी योजनाएं इस सरकार में दी है। देखिए ये जिरौली गांव छर्रा विधानसभा की धड़कन है, यहाँ से एक एजेंडा निकलता है और जिसके साथ ये गाँव रहता है उसकी पार्टी की हमेशा विजयश्री होती है। और आज देखिए सोयो गाड़ी के साथ माननीय सांसद जी का जगह जगह स्वागत करते हुए यहाँ हम लोग लेकर आए हैं। इस गांव के लिए मैं बहुत बहुत चढ़ छुप करके धन्यवाद और वंदन करता हूँ कि उन्होंने इतना ज़बरदस्त कार्यक्रम किया है, बूथ अध्यक्षों का सम्मान किया है। और इस गांव के लिए माननीय राजेश दिवाकर जी ने बिजली घर का निर्माण कराया, यहाँ यहाँ विद्युतीकरण पूरे गाँव में कराया, अभी 2 सड़कें दी हैं। और इस गाँव से हमारा पार्टीगत रिश्ता नहीं है, दिल से रिश्ता है। उस दिल के रिश्ते को दिल में रख के हम दिल से गांव वालों का हार्दिक वंदन और स्वागत करते हैं। और स्वागत की बेला दोनों तरफ से चलती है, उन्होंने हमारा स्वागत किया है, हमने उनका स्वागत किया है। इसी के तहत भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए किसानों के साथ मिलजुल करके हम आगे बढ़ेंगे। इन्हीं के साथ मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। प्रयागराज 12 थाना क्षेत्र के निवी लोकर गांव में बच्चों से पत्थर उठाने को लेकर हुई मारपीट में 5 लोगों को चोटें आई, जिसमें एक व्यक्ति को स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, जिसका नाम राम जियावन है। उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। डॉक्टर जेके सिंह का कहना है कि उन्हें 2 बोतल ब्लड चढ़ाने की जरूरत है। कुली भारती, गीता देवी, जैतुना बिंजू, आकाश भारती, जियावन लाल भारती हैं, जिनका कहना है कि 12 थाना क्षेत्र के प्रभारी गाली गलौज देकर उन्हें भगा देते हैं। प्रयागराज से हमारे संवाददाता प्रदीप मिश्रा की यह रिपोर्ट। बताइए क्या घटना हुई है? घटना हुई पथरा का कारण बच्चे दो और तेज बोलिए। उनको परिवार ने मंगाया पत्थर, दोनों का दिन उनको पटक पटक मारने। ठीक है, ऐसे ही चोट लगी? कितने लोगों की चोट लगी है? 5 लोगों की। क्या क्या नाम था? पहला नंबर जैतूना, तब कुल्ली, तब राम जियाओं, तब बिंजू, तब गीता। कौन सा थाना लगता है आपका? 12। तो अभी तक थाने से कोई कार्रवाई हुई कि नहीं? कुछ नहीं। थाने पे जाते हैं, क्या कहते हैं? थाने पे गए बिना कहीं ऐसा बच जाओ तुम्हारे पे जिसका अगर रद्द हो गया। रद्द हो गया? हाँ। किस बिने पे? दोनों जन के मुकदमा कायम हो गया। तो आपने बताया नहीं कि हमारे भाई की स्थिति ये हॉस्पिटल बताया था कि
कि हमारे भाई की स्थिति बहुत गड़बड़ हो जाए, हम जाते दवाई कराओ, कहीं जाओ कराओ, जहाँ कराना बोला कला कर रहा है, वहीं की पुलिस जब लग जाए तो कहीं कला कर रहे हैं। वहाँ से पुलिस ने बोला कि जाओ अपना दवाई कराओ, हमसे कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। तो स्थिति आपके भाई की क्या है इस समय? स्थिति खून चढ़ने के संभावना बात है। तो खून चढ़ा कि अभी नहीं? अभी नहीं चढ़ा। क्या डॉक्टर साहब खून मांग रहे थे? हाँ, डॉक्टर साहब दो बोतल खून मांगते हैं। अच्छा अच्छा, भाई खून लोगे तो डॉक्टर ही होगा, नहीं अपन मरीज नहीं जाओ। तो इस समय भाई के कहाँ, भाई भाई की चोट कहाँ कहाँ लगी है बताइए? अच्छा, सर के ऑपरेशन हुआ है। तो देखने पोजिशन क्या है आपके भाई की? यहाँ सीना पे चोट है। वाराणसी के लंका में किराएदारी को लेकर हुआ विवाद। मकान मालिक ने दुकानदार के दुकान का ताला तोड़कर सामान निकाला और बाहर फेंक दिया, तो वहीं दूसरी तरफ दुकानदार ने मालिक पर लगाया सामान गायब करने का आरोप। मामला उच्च न्यायालय में लंबित है। मामले को लेकर दोनों पक्ष लंका थाने पहुंचे। वाराणसी से हमारे संवाददाता प्रहलाद पांडे की ये रिपोर्ट। क्या है? कहाँ रहते हैं आप? बालाजी कॉलोनी। और यहाँ पर आपका क्या है? दुकान। किस चीज़ की दुकान है आपकी? हाँ, किस चीज़ की दुकान है आपकी? गल्ले की। गल्ले की। और आपके पिताजी का क्या नाम है? स्वर्गीय। अच्छा, पूरा मामला क्या है जरा बताइए हमें। मामला ये है सर, हमारा नया जिस कोर्ट में मैटर चल रहा है, किराया जमा सब हो रहा है हमारा, ये बहुत दर्द दर्द चीज़ों में फंसा रहे, कुछ डबल किराए किए हैं, हमको इससे खतरा भी नहीं है। अपना चीज़ हमारा बार दुकान तोड़ के ताला तोड़ के उन्होंने सब माल बाहर कर दिया, कुछ चोरी हो गया इसमें से। किन्होंने आपका माल तोड़ कर बाहर कर दिया? कौन? शंकर मौर्या, मकान मालिक। आपके मकान मालिक ने? आपका कौन सी दुकान है जो आपका ताला तोड़ करके इन्होंने सामान बाहर फेंक दिया है? और क्या आपको जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं? हाँ, गुंडागर्दी सब ये सब देख ही रहे हैं, सब सामने हैं। ये कब की घटना है? कब के घटी आपके घटना घटना देखिए कपा चला। विजय शंकर, क्या मामला है? मामला ये हमारे किराएदार है, तो ये दुकान दिए थे खाली नहीं कर रहे थे जी, तो फिर मामला बेदखली में दाखिल किए कोर्ट से खाली कराने के लिए। हाँ, उसमें हमारे हक में फैसला भी आया, डिग्री भी हो गया। ठीक है, कोर्ट के द्वारा 2 महीने का समय था, समय बीत गया। उनसे बोले हम कि भाई समय बीत गया, आप खाली करिए। ये बोले कि ठीक है, आपको ठीक है, आप अपना ताला बंद करिए, सामान निकालने का हमको मौका दे दिए 3-4 दिन। तो ठीक, तो अपना ये ताला अपना खोल लिया और ताला हम अपना बंद कर लिए उसमें। ठीक है, और सामान निकालने के लिए हमसे वक्त ले लिए। अच्छा, और जब 3-4 दिन बोले रहे, जब 10-12 दिन हो गया, उनसे बोले भाई सामान चोरी निकाल लो। दरअसल ये मुकदमे के दौरान ही ये हमारे पास कागज है, FIR भी है। ये FIR ये हमारे नाम से फर्जी दस्तखत बना करके सिंटेक्स में जाकर रजिस्ट्रेशन करा दिए मेरे ही नाम से। मैं ही मुकदमा किया बेदखली का, मेरे मुकदमे के दौरान जाकर लिए, हमें जानकारी मिली तो हमने इनके खिलाफ FIR कर दिया। तो अब ये हमको क्या धमकी दे रहे हैं कि अगर तुम अगर आप हमारा दुकान अगर खाली करना चाहते हो तो हम FIR वापस लीजिए, अगर FIR वापस नहीं लेंगे तो हम आपको फर्जी मुकदमे में फिर फंसा देंगे हम। अच्छा, आपकी दुकान कहाँ पर? आपकी दुकान कहाँ पर है? दुकान मेरी बस बगल वाली दुकान है। एड्रेस बताइए। पूरा एड्रेस बताइए। लंका वाला। ये थे अभी के समाचार, जानेंगे आगे के समाचार छोटे से ब्रेक के बाद। सत श्री अकाल जी, मैं गुरलाल सिंह बरोला, ब्यूरो पंजाब, फास्ट न्यूज इंडिया चैनल वालों सारयां हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी लोहड़ी, हैप्पी मकर संक्रांति। तो इलावा धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी दे प्रकाश दिवस दियां सब नू बहुत बहुत मुबारक दिंदा हां। ते नाल ही मैं गल करदा हां फास्ट न्यूज इंडिया चैनल दी, इस दे सबसक्राइबर बनो, नवीं ताजा खबरां सुनो फ्री विच गिफ्ट, तो इलावा इंश्योरेंस भी पाओ। और इस पूरे पंजाब विच इस दे रिपोर्टर ब्यूरो बनो, ता कि आने वाले समय विच भ्रिष्टाचार नू खत्म किया जा सके। इस चैनल दे नाल जुड़ के तुसी 1000 तो लैके 1 लख तक दी सैलरी भी प्राप्त कर सकते हो। सो मैं अज जरूरत है सानू भ्रिष्टाचार नू खत्म करन दी, सो मैं यही बेनती करदा हां मेरे नाल जुड़ो। पूरे पंजाब विच, पूरे भारत विच साडा ये चैनल चल रहा है। मैं दोबारा फिर सारयां नू
बहुत बहुत मुबारक दिंदा हां, सत श्री अकाल, थैंक यू जी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, आइए नजर डालते हैं आगे के प्रमुख समाचारों पर। प्रयागराज में मेला अधिकारी तथा डीआईजी एसएसपी मेला में मौनी अमावस्या की चुस्त दुरुस्त व्यवस्था हेतु प्रेस वार्ता कर कुंभ में यातायात की जानकारी दी। मौनी अमावस्या को देखते हुए अपर पुलिस महानिदेशक प्रयागराज मंडलायुक्त जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा मौनी अमावस्या को दृष्टिगत यातायात प्रबंधक को लेकर आवश्यक निर्णय लिए गए। प्रेस को संबोधित करते हुए मेला अधिकारी विजय किरण आनंद ने मीडिया सेक्टर पर जानकारी दी। प्रयागराज से हमारे संवाददाता मनोज सिंह की ये रिपोर्ट। दो भागों में है, एक तो शहर के अंदर की व्यवस्था, एक कुंभ की व्यवस्था। यातायात की व्यवस्था की जहाँ तक बात है, रेलवे स्टेशन से लेके जो कुंभ क्षेत्र है उस तक पैदल यातायात रहेगा, वाहनों का यातायात एक सीमा तक उसको निर्धारित किया जाएगा और डेट वाइज उसकी चरणवार सूचना आप सभी लोगों को पहुँचा दी। इसके अलावा मेला क्षेत्र के अंदर का यातायात जो है वो मेला अथॉरिटीज के द्वारा गवर्न किया जाएगा, मेला पुलिस के द्वारा गवर्न किया जाएगा। सुरक्षा की जहाँ तक बात है, अलग अलग जगह पे अलग अलग पॉइंट्स पे पुलिस ने अलग अलग इक्विपमेंट्स लगाए हुए हैं, जहाँ पर फ्रिस्किंग चेकिंग लगातार चलेगी, रेलवे स्टेशन पर चलेगी। रेलवे स्टेशन के अलावा जो कुंभ क्षेत्र के अंदर आ रहे हैं उन लोगों की फ्रिस्किंग चेकिंग होंगी और क्राउड को कैसे मूवमेंट करना है, उसको कैसे मोड़ के लाना है कुंभ क्षेत्र तक, ताकि विभिन्न जगहों पर लाके पब्लिक को या लोगों को, स्नानार्थियों को स्नान कराया जा सके, शरणार्थियों को, और यही हम लोग कह रहे हैं। जैसे माना जा रहा है कि मौनी अमावस्या का स्नान सबसे विशेष स्नान है, काफी भीड़ आने की आशंका है, तो शासन के अनुमान के अनुरूप कितनी भीड़ आने की संभावना है? देखिए, भीड़ का अभी से एस्टिमेट बताया जा पाना तो मुश्किल है, लेकिन जैसा कि बताया गया है कि पिछली बार की तुलना में इस बार भीड़ ज्यादा रहेगी और संख्या करोड़ में भी रहेगी, तो उम्मीद यही की जा रही है कि पिछली बार जो कुंभ था उससे कहीं अधिक मात्रा में इस बार लोग आएंगे। तीर्थराज प्रयागराज में चल रहा कुंभ मेला बाहर से जितना विहंगम है, अंदर से उतना ही खूबसूरत। कुंभ में तमाम साधु संत लोगों का अध्यात्म पाठ का पाठ पढ़ाकर उनकी जिंदगी रोशन कर रहे हैं। इस बार कुंभ मेले में जूना अखाड़े के साथ किन्नर अखाड़ा भी शामिल हुआ। जी हाँ, प्रयागराज में किन्नर अखाड़े ने कहा कि राम मंदिर अयोध्या में बनेगा, चाहे इसमें हमारी जान ही क्यों न चली जाए तो भी कोई गम नहीं। मंडलेश्वर विभूषित आचार्य स्वामी लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी महाराज ने राम मंदिर पर प्रेस वार्ता की। राम मंदिर का निर्माण जल्द से जल्द शुरू हो और किन्नर अखाड़ा इसके लिए सत्याग्रह करेगा। प्रयागराज से हमारे संवाददाता मनोज सिंह की ये रिपोर्ट। किन्नर अखाड़ा माननीय प्रधानमंत्री, हिज एक्सीलेंसी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पत्र लिखेगी कि जो राम का है और टाइटल सूट है, इसकी सुनवाई फास्ट कोर्ट करके करें, क्योंकि ये मुद्दा हमारे समाज को विभाजित कर रहा है। किन्नर अखाड़ा मेरे राम प्रभु के नाम पे दंगा नहीं चाहता, मेरे राम प्रभु का नाम किसी बैलेट बॉक्स की कितने वोट पड़े उसके लिए कब तक उपयोग करेंगे, ये चिंतन हमारे सारे वोटर्स को भी करना है। भारत को अगर आगे बढ़ना है तो जो सनातन धर्म की सबसे बड़ी स्तंभों में प्रभु राम का स्तंभ है, उनका जन्मभूमि पे राम मंदिर का निर्माण जल्द से जल्द शुरू होगा। किन्नर अखाड़ा सत्याग्रह करेगा और वक्त पड़ेगा उस सत्याग्रह में अगर हमारा प्राण चला जाए तो भी गए। अयोध्या कूच करने का संतोष। ये तभी के समाचार, आगे कुछ खास खबरों के लिए यूं ही बन रही है फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।